हेलो एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं त्रिपुरा के तेलियामुड़ा शहर में, और यहाँ पे आते ही यहाँ के लोगों ने काफ़ी प्यारी से मुस्कुराहट के साथ हमारा स्वागत किया। तो हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं, अब चलिए हम लोग लेते हैं ऑटो और निकलते हैं अपने रूम की तरफ। बाहर में मौसम काफ़ी ज़्यादा लुभावना लग रहा है और नज़ारे भी बहुत खूबसूरत हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ के मेन गांव में, और यहाँ का लुक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ के हरे भरे पेड़ पौधे यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा दे रहे हैं, और इन पेड़ पौधों में आपको एक पेड़ कॉमन मिल जाएगा, वो है सुपारी का पेड़। अब इन पेड़ पौधों और रास्तों का थोड़ा आनंद लीजिए, आपसे मिलते हैं थोड़े देर में। यहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन मिल जाएगा, हर एक घर के सामने एक तालाब, ताकि यहाँ के लोग अपने घर के सामने मछली पालन और अपने बत्तखों को पाल सकें। यहाँ की इन सारी चीज़ों से हमें भी सीख लेनी चाहिए, ताकि हम लोग और भी ज़्यादा आत्मनिर्भर बन सकें। आप यहाँ के मार्केट भी देख सकते हैं, और यहाँ के मार्केट के साथ साथ यहाँ के आप घर का स्ट्रक्चर देखिए। हर एक घर के ऊपर एक करकट टाइप का लगा हुआ है, जो इस घर के लुक को थोड़ा अलग ही बना देता है। लगभग 2 आवर ट्रेवल करने के बाद फाइनली हम लोग पहाड़ों के बीच में पहुंच चुके हैं, और अभी मैं एक पहाड़ के ऊपर हूं। आप एक बहुत ही गहरी खाई देख सकते हैं यहाँ पे। थोड़ी ही दूर आगे आने पे मुझे एक काफ़ी यूनिक पौधा दिखाई दिया। एक बार गेस करिए कौन सा पौधा है। ये है अनानास का पौधा, और अनानास इसके जस्ट यहाँ सेंटर में निकलता है, और इसके पत्ते दूसरे पौधों के पत्तों की तरह नरम नहीं बल्कि थोड़े सख्त और कटीले हैं। यहाँ के लोगों ने यहाँ पे अनानास की छोटी मोटी फार्मिंग कर रखी है। घूमते घूमते फाइनली हम लोग रबड़ के पेड़ों के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे रबड़ के पेड़ दिख रहे हैं, जिनमें से लेटेक्स को एक कटोरे में इकट्ठा किया जा रहा है। ये देखने में बिल्कुल दूध की तरह दिख रहा है, बल्कि दूध से ज़्यादा ही सफ़ेद है। और छू कर देखते हैं एक बार। छूने पर बहुत ज़्यादा चिपचिपा लग रहा है और ठंडा भी है। अगर इस लेटेक्स को लेकर के अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तो ये ऐसा शेप ले लेगा जो एक बॉल की तरह होता है, और दबने पे थोड़ा सा फ्लफी लगेगा और काफ़ी मजबूत भी है। अगर इसको खींचिएगा तो ऐसा रेसा जैसा निकलेगा। एक बार उछाल कर देखते हैं, उछल भी रहा है, और ये देखिए कितना ज़्यादा फ्लफी लग रहा है। फिर इसको सुखाते हैं, सूखने के बाद ये एक काले बॉल जैसा शेप ले लेता है, और काफ़ी ज़्यादा बदबू भी करता है। ये भी देखिए को दबाते हैं, देखिए कितना ज़्यादा मजबूत है, लेकिन उछल तो रहा है अभी भी। अब चलिए वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे इसके बाद रबड़ जाता है। इस रबड़ को लेकर के हम लोग पहुँचते हैं यहाँ पे, जहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है जो यूज होता है रबड़ बनाने में, और ये वो मशीन है जो रबड़ को बेल करके एक सीट के फॉर्म में तैयार करता है। ये सामने दूध रखा हुआ है, ये अभी जम रहा है, इसमें केमिकल डाल करके इसको अभी लिक्विड किया गया। ये थोड़ा सूखेगा, सूखने के बाद फिर इसको इस फॉर्म में सुखाया जाएगा। सामने देख सकते हैं आप, ये अभी जस्ट सुखाया गया है। इसके बाद ये सूखने के बाद थोड़ा और ज़्यादा ये सख्त हो जाएगा। देखिए ये कैसे टच करने पे एकदम अभी सख्त हो चुका है, खींच भी नहीं पा रहे हैं इसको। फिर ये सूखने के बाद और ज़्यादा ये ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा ये येलोइश कलर में आ चुका है, और ये और भी ज़्यादा मजबूत हो चुका है। अब इसको लेकर के हम लोग शॉप में रख देंगे। देखिए कितना सारा रबर का सीड रखा हुआ है यहाँ पे, और ये यहाँ से फैक्ट्री वाले ख़रीद कर ले जाएंगे, जिससे वो टायर और बहुत सारे रबर की चीज़ें बनाएंगे, जिसमें जीन्स भी बनता है। इसी से मैंने भैया से बात किया तो इन्होंने बताया। नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ।
क्यों यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ओलंपिक्स में जाते हैं, बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग स्पोर्ट्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते हैं। इंडोर गेम के साथ ही साथ ये लोग आउटडोर गेम में भी काफ़ी ज़्यादा उत्तीर्ण होते हैं, क्योंकि ये लोग उसमें टाइम देते हैं। तो चलिए फिर, उम्मीद करते हैं आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करिए बिना शर्माए, क्योंकि ये भी आपका ही चैनल है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए। तब तक जय श्री राम।